नमस्कार, मैं सोनल और आज मैं आपके साथ मेरी 1 मिनट चॉकलेट केक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1 मिनट चॉकलेट केक। मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे आपका केक जल्दी ही नहीं टेस्टी भी बनेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको अभी तक मैंने जो रेसिपी शेयर की है वो पसंद आ रही है तो उन्हें भी लाइक कीजिए। आपकी वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये केक 1 मिनट केक इसलिए है क्योंकि इसका बैटर 1 मिनट में रेडी हो जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने केक का बैटर ब्लेंडर में तैयार करेंगे। तो इस केक बैटर के सभी इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। ब्लेंडर में हमें बैटर को तब तक ब्लेंड करना है जब तक हमारा बैटर स्मूथ नहीं हो जाए और उसमें से सभी लम्स खत्म नहीं हो जाए। बट मैंने इस बैटर में अपनी ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को अलग अलग ब्लेंड करके मिक्स किया है ताकि मेरा बैटर ओवर मिक्स ना हो जाए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद में बैटर को ओवर मिक्स करने से हमारा केक डेंस बनेगा और फ्लफी और सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसलिए आप केक को इस मेथड से तैयार कीजिए। देखिए मेरा केक कितना अच्छे से फूला है और कितना सॉफ्ट भी है। तो चलिए अब फ्रॉस्टिंग की तैयारी करते हैं। फ्रॉस्टिंग करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जो केक है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा होना चाहिए। फ्रॉस्टिंग प्रिपेयर करना भी इस केक की तरह बहुत ही आसान है क्योंकि मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल किया है। चॉकलेट गनाश मेरी फेवरेट टाइप ऑफ फ्रॉस्टिंग है क्योंकि आपको उसके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मैंने इस केक को डेकोरेट करने के लिए थोड़ा बटर क्रीम और स्प्रिंकल्स का भी यूज़ किया है, बट वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है क्योंकि चॉकलेट गनाश बहुत ही रिच और बहुत ही डिलिशियस फ्रॉस्टिंग होती है। उसके बाद आपको किसी तरह की फ्रॉस्टिंग की बिल्कुल नीड नहीं होती है। इस केक को आप रूम टेम्परेचर या फिर चिल्ड दोनों ही तरह से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।